देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 17 सितंबर 2019 को सऊदी अरब के अवकैत में कच्चे तेल के प्लांट में भयंकर आग लग गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट था। इसमें आग लगने की वजह कोई हादसा नहीं थी, हमला ड्रोन से हुआ था। सऊदी अरब से यमन की सीमा लगती है। यमन के हुती विद्रोहियों ने एक दर्जन से ज्यादा ड्रोन एक साथ उड़ाकर तेल के प्लांट पर हमला किया था। इस एक दर्जन ड्रोन के हमले से सऊदी अरब का बड़ा नुकसान हुआ। कई दिनों तक प्लांट को बंद रखना पड़ा। दुनिया में तेल की सप्लाई कम हुई। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में 10% उछाल आया। यानी ईरान समर्थित कुछ विद्रोहियों ने कुछ लाख रुपए के ड्रोन से सऊदी अरब का हजारों करोड़ का नुकसान करा दिया। यही ड्रोन की खासियत है, क्योंकि बड़ी आसानी से ड्रोन से हमला हो सकता है। न ज्यादा खर्चा, न ज्यादा रिस्क। ये तो हो गई विदेश की कहानी, लेकिन इसे सुनाने का मकसद इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसका खतरा अब हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। मुल्क की सरजमी एक बार फिर पाक की नापाक साजिश का गवाह बनी। पैतरेबाज पाकिस्तान की वो नाकाम साजिश थी जिसने सुरक्षा कर्मियों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि दहशतगर्दों के दुस्साहस का हर मर्तबा हमारे जवानों ने जवाब दिया है, लेकिन चोरी छिपे रात के अंधेरे में पाकिस्तान की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई। महफूज माने जाने वाले एयरफोर्स स्टेशन की छत पर पहला धमाका 27 जून की रात को 1:35 पर होता है। सुरक्षा में तैनात जवान जब कुछ समझ पाते, उससे 5 मिनट बाद दूसरा धमाका रात के 1:42 पर होता है। पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका जमीन पर। दोनों धमाके के बाद ये समझते देर नहीं लगी कि ये सरहद पार की साजिश है। सुरक्षा कर्मियों ने हमले के पीछे ड्रोन के इस्तेमाल की बात कही। इतना ही नहीं, फौरी तौर पर जांच के बाद ये तस्दीक भी हो गई कि ये पैतरेबाज पाकिस्तान की ड्रोन साजिश थी। गनीमत रही कि इस ड्रोन हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। लेकिन हमले के फौरन बाद पठानकोट, अंबाला के साथ साथ तमाम एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया। धमाके की खबर के बाद आनन फानन में NSG और NIA की टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच में इस बात की आशंका जताई गई कि आतंकियों ने एयरबेस के नजदीक से ड्रोन लॉन्च किया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन क्वाडकॉप्टर थे। संभवतः एयरबेस के नजदीक से ड्रोन के जरिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से हथियार गिराए गए। जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखना नई बात नहीं है। पिछले 2-3 सालों में कई बार पाकिस्तान की तरफ से हथियार गिराए गए या ड्रग सप्लाई करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। अगस्त 2019 से साल तक पाकिस्तान से ड्रोन आने के कई मामले सामने आ चुके हैं। 13 अगस्त 2019 को पंजाब के अमृतसर में पुलिस को जमीन पर गिरा ड्रोन मिला। सितंबर 2019 में पंजाब के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान की तरफ से 8 बार ड्रोन से हथियार गिराए गए। तब तरनतारन से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में ये बात पता चली। जून 2020 में जम्मू के कठुआ में BSF ने एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। 19 सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में लश्कर के कुछ आतंकवादी हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए। उनसे ये जानकारी मिली कि ड्रोन से उनके हथियार गिराए गए थे। 22 सितंबर 2020 को जब जम्मू के अखरूर सेक्टर में कुछ हथियार मिले जिन्हें ड्रोन से गिराए जाने का संदेह था। क्यों ड्रोन सुरक्षा के लिए चुनौती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रोन के तौर पर भारत के सामने एक नया सुरक्षा खतरा पैदा हुआ है। इसके जरिए सीमा पर बैठे आतंकवादी भारत के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ऐसा पहली बार है जब भारत में किसी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन के जरिए आतंकी संगठन की ओर से टारगेट किए जाने की कोशिश मुद्दे को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है। डिफेंस के जानकारों के अनुसार ड्रोन पर जो काम हुआ है वो ज्यादातर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए यानी अटैक करने के लिए हुआ है, लेकिन ड्रोन के हमले से किस तरह निपटा जाए इस पर अभी बहुत कुछ काम नहीं हुआ है। भारतीय सेना अभी दुश्मन के किसी ड्रोन को गिराने के लिए या तो स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करती है या अभी एयर डिफेंस गन का भी इस्तेमाल होता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी इस्तेमाल ड्रोन के लिए किया जा चुका है। हद तक खतरनाक है ड्रोन हमला। ड्रोन से 2 तरीकों से हमला किया जा सकता है। पहला, इस ड्रोन पर बम या विस्फोट लगे होते हैं। इसका टारगेट पहले से सेट रहता है। यह काम GPS जैसी तकनीक से किया जा सकता है। ड्रोन लोकेशन या टारगेट पर बम ड्रॉप करता है। यह बम भी ऐसे होते हैं जो गिरने के साथ ही ब्लास्ट होते हैं। इसके अलावा इसकी टाइमिंग भी सेट की जा सकती है। दूसरा, ड्रोन टारगेट पर खुद बम के साथ ड्रॉप हो जाते हैं। आतंकियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल।
दुनिया में सबसे पहले आतंकी संगठन द्वारा इस्तेमाल की बात साल 2004 में सामने आई। हिजबुल्ला नामक संगठन ने इसराइल के ऊपर से मिर्साद एक ड्रोन उड़ाया। हालांकि इस ड्रोन को भेजे जाने का उद्देश्य आतंकी हमला करना नहीं बल्कि जानकारी प्राप्त करना था, लेकिन तभी से ड्रोन के रूप में आतंकियों को एक नया आधुनिक हथियार मिल गया। साल 2006 में इसराइल और लेबनान युद्ध के वक्त हिजबुल्ला ने 40 से 50 किलो विस्फोटक के साथ अबाबील नामक ट्रीन ड्रोन की मदद से तबाही मचानी चाहिए, लेकिन इसराइल F-16 ने इन्हें मार गिराया। कहां कहां हो रहा है ड्रोन का इस्तेमाल? इस्लामिक स्टेट के अलावा फिलिस्तीन, लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला, हूती विद्रोही तालिबान के साथ पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी संगठन हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन को हम पकड़ क्यों नहीं पाते? ड्रोन का साइज छोटा होता है, इसलिए रडार की पकड़ में आना आसान नहीं। 18 से 20 किलोमीटर तो रडार का ब्लाइंड जोन होता है। इतनी कम दूरी से उड़कर आता ऑब्जेक्ट रडार की पकड़ में आना मुश्किल है। इसके अलावा ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरने से भी रडार की पकड़ में नहीं आता। थोड़ा वजन कैरी करने वाले ड्रोन आराम से उपलब्ध है, कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें कोई भी अपने घर की बालकोनी से भी लॉन्च कर सकता है। ड्रोन कितने तरह के होते हैं? नैनो ड्रोन 250 ग्राम तक, माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से 2 किलो तक, मिनी ड्रोन 2 किलो से 25 किलो तक, स्मॉल ड्रोन 25 किलो से 150 किलो तक, लार्ज ड्रोन 150 किलो से ज्यादा। ड्रोन पर क्या है गाइडलाइन? ड्रोन के वजन और साइज के मुताबिक प्रतिबंधों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। नैनो ड्रोन, इसको उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रो ड्रोन, इसको उड़ाने के लिए USB ऑपरेटर परमिट 1 से परमिशन लेनी होती है। ड्रोन पायलट को SOP को फॉलो करना होता है। इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए DGCA से परमिट की जरूरत पड़ती है। ड्रोन के लिए हवाई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। रेड जोन, जहां पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। येलो जोन, जहां पर कुछ नियमों के साथ ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। और ग्रीन जोन, इस जोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस कैसे मिलेगा? नैनो ड्रोन के अलावा किसी तरह के ड्रोन को उड़ाने के लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है। ड्रोन उड़ाने के लिए 2 तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं। पहला स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, दूसरा रिमोट पायलट लाइसेंस। उम्र, ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। किस तरह के रडार की निगरानी की जाए जिससे ड्रोन के इस तरह के हमले रोके जा सके? ड्रोन से अगर कोई जम्मू के एयरबेस पर बम गिरा सकता है तो कहीं भी इस तरह के हमले के होने की आशंका हो सकती है। किसी भी स्तर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि हम इससे कैसे निपटेंगे। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। इसराइल और गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर कासम रॉकेट से हमला किया था, जिसमें एक साथ 200-300 की संख्या में रॉकेट दागे जाते थे। एक सप्ताह में 1500 रॉकेट दागे गए, लेकिन इतने रॉकेट के दागे जाने के बावजूद हमास के दागे गए रॉकेट्स का इसराइल पर बहुत कम असर हुआ, क्योंकि इसराइल के आयरन ड्रोन ने रॉकेट को हवा में ही डिटेक्ट करके मार गिराया था। हालांकि कुछ रॉकेट इसराइल में भी गिरे थे, लेकिन ज्यादा नुकसान इससे इसराइल का नहीं हुआ था। इसी बीच पूरी दुनिया ने इसराइल की जबरदस्त तकनीक का नजारा भी देखा। अब भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम की सहायता लेने का प्लान बनाया है। इसराइल से भारत एंटी ड्रोन सिस्टम आ रहे हैं। इसराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस को भारत लाया जा रहा है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन हमलों को हवा में नाकाम करने का मादा रखता है। इसराइल को एंटी ड्रोन सिस्टम का ऑर्डर दे दिया गया है। इसराइल के ड्रोन के कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसके साथ ही ये ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट सिस्टम से लैस है। ड्रोन को राइफल के ऊपर फिट किया जा सकता है। इसमें 2000 प्लस छोटे ड्रोन को हवा से हवा में मार गिरा सकता है। इसके अलावा भारत की कई प्राइवेट फर्म भी एंटी ड्रोन गन बनाने पर काम कर रही है। इसके साथ इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस कॉलेज में भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम, भारतीय सेना में इनोवेशन के तहत ड्रोन जैमिंग सिस्टम पर काम हो रहा है। भारतीय सेना ने क्वाडकॉप्टर जैमिंग सिस्टम तैयार किया, जिसकी रेंज करीब 3 किलोमीटर तक है। इसको बंकर के जरिए बैठकर रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं DRDO की ओर से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर भी खासा चर्चा है। बता दें कि 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे ड्रोन का पता लगाकर उसे जाम कर देने की क्षमता वाले इस एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती 2020 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर VVIP लोगों को सुरक्षा देने के लिए हुई थी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद के मोटर स्टेडियम पहुंचे थे, उस समय भी सिस्टम को वहां लगाया गया था। यह सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आए ड्रोन को अपने लेजर बीम से निशाना बनाते हुए नीचे गिरा देता है। सूत्र के अनुसार अगले 6 महीने में सेनाओं को यह मिल सकती है। ड्रोन पॉलिसी को मिलेगी केंद्र की मंजूरी। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद इसे लेकर स्पष्ट नीति को जल्द से जल्द अमल में लाने की पहल तेज हो गई है। प्रस्तावित ड्रोन पॉलिसी को लेकर PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की है।
केंद्र की यह चिंता है कि इसके दुरुपयोग और खतरों पर किस तरह रोक लगाई जाए। कुछ साल पहले से ही गृह मंत्रालय ड्रोन के अवैध तरीके से उड़ने पर रोक लगाने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार पहले से ही ड्रोन को ट्रैक करने के लिए एक बड़ा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसे तमाम अहम और सामरिक महत्व वाले जगहों पर लगाया जाएगा। फिलहाल किसी इलाके में ड्रोन के उड़ाने और उसकी गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सरकार के पास सिस्टम नहीं है। जो खास सिस्टम तैयार होगा वो किसी भी तरह के ड्रोन के उड़ान को रियल टाइम ट्रैक करेगा। प्रस्तावित नीतियों में इस बात पर स्पष्ट गाइडलाइन होगी ड्रोन कहाँ कहाँ उड़ सकता है और कहाँ नहीं। इसके लिए पहले ही सरकार लिस्ट जारी कर चुकी है। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।